अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। मैं बस अभी भी ऑफिस से घर पहुँचा हूँ, तो आज मैंने सोचा था जुल्फ़िकार के साथ शुगर लगाया जाए। सुबह इसने गलती से अपना एटीएम कार्ड जो है ना वो मेरे वॉलेट में डाल दिया, तो बस ज़रा इससे पूछते हैं कि इसका कार्ड किधर है और फिर देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। वेट करें फिर आगे बताते हैं क्या हो रहा है। आ गया है और ये आप देख रहे हैं, ये ब्रूनो जो है वो कैसे वेलकम करता है। ब्रूनो चलो अंदर, चलो आओ, चलो आओ, आ जाओ। तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, चलो। ये है हस्की, जिसे बॉबी कहते हैं कि अलास्का में हर्मिट है। बड़ा ये हस्की है, चलो 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 बेटा, मैं चेंज कर लूँ फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। हमाद अंदर जा रहा है घर के और ये इनमें से कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं आपसे। ये बेसिकली थोड़ी लाइट कम हो रही है तो मैंने ये इसकी मोबाइल की लाइट्स ऑन की, इसलिए इनकी आंखें ऐसी खतरनाक लग रही हैं जिनों वाली। गाइस, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैं तो वॉशरूम। जो मैं कार्ड की बात कर रहा था, मैं आपको दिखा भी दूं, जस्ट अ मिनट, ये देखें, ये इसका कार्ड है मोबाइल का और ये इसने मेरे वॉलेट में डाल दिया था। तो बस अभी जाता हूँ, अब जाके उससे पूछता हूँ कि यार मुझे पैसे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुल्फ़िकार मुझे ना पैसे चाहिए थोड़े से, 7-8 हज़ार रुपये। कार्ड दे दो मुझे, इसका वॉलेट है, अभी चेक करते हैं। कार्ड कहाँ पर है तुम्हारा? अलबरका वाला पड़ा हुआ है। किस वाले में? यूबीएल वाला पड़ा है, उसमें भी नहीं है। यूबीएल का पड़ा हुआ है। एचबीएल वाला किधर है तुम्हारा? एचबीएल का कार्ड दे दो मुझे, तो दे दो मुझे, तुम देख के दे दो मुझे, तो इसमें नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा क्या मतलब? ये लो मेरे कार्ड निकाल के दो, लो। मेरे पास नहीं है, कंफर्म नहीं है यार। मैं क्यों मैं तो नहीं उठा रहा कसम, मैं क्यों करूँगा? तुम्हारे पास पैसे चाहिए तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा, कितने पैसे दूंगा तो मेरा एटीएम कार्ड वापस करोगे? ट्रीट चाहिए अभी, बाहर कुछ खिलाओ पिलाओ। ये तो हुंडा करती है भाई, कार्ड चाहिए तो नहीं, ये गुंडा गर्दी है, मतलब ट्रीट के लिए क्या कहते हैं कार्ड छुपा लोगे तुम भाई? तुम्हें किसने कहा था कि तुम कार्ड मेरे वॉलेट में डालो? तुम्हारे वॉलेट में मैंने डाला, कार्ड मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ था। बहुत ही खबीस आदमी है। अब जो भी हो बताओ, क्या खिलाओगे? कुछ भी नहीं खिलाना, जो घर में खाना पकेगा वही खाओगे। गिल्लू देख लो इसकी हालत, कंजूस मक्खी चूस कुछ भी नहीं खिला रहा। नहीं, इसमें देखने वाली क्या बात है, इसमें देखने वाली क्या बात है भाई? एक तो तुम्हारी इतनी कीमती चीज है तो उन्हें तुमने एहतियात नहीं की। कीमती चीज है मगर क्या कहते हैं, तुमने निकाल के वॉलेट में रख ली, अब वापस करने आए? अरे मैंने नहीं डाला खुद भाई। फिर कहाँ से आया भाई? तुमने मिस्टेकली डाला होगा मेरे वॉलेट में, मैं तो आज देखा वहाँ। देखो, नाबीना एसोसिएशन का चेयरमैन रह चुका हूँ ना किसी जमाने में भाई, अब जो भी है। अच्छा सर, क्या ट्रीट चाहिए? आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम सस्ते में छोड़ रहे ना, तुम्हें क्या याद है? चलो खा लेना पहले वो एटीएम कार्ड वापस करो। पक्का? हाँ करो। ये ला।
हम फोर। एक आईस्क्रीम की खातिर तुमने एटीएम कार्ड चोरी कर लिया? मैंने चोरी नहीं किया बेटा। हाँ मैंने चोरी नहीं किया। तुम आइसक्रीम वैसी खा लेते? भाई मैं क्यों चोरी करूँगा, मेरे वॉलेट में था। वॉलेट में तो था तुम्हारे, लेकिन ये आया कैसे वॉलेट में तुम्हारे? भाई अब तैयार है ना खाने के बाद? भाई आइसक्रीम खिलानी है अपने भाई को। वैसे ही खा लेना आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाने वाले उतने पैसे तो थे मेरे पास, मैं तो आइसक्रीम खिला सकूँ। तुम तो चेक कर रहे थे तुम कितने नहायत ही लापरवाह इंसान हो। अच्छा सही है, अब एक काम करो, मैं आइसक्रीम खिला दूँ, तुम खाना खिलाओ मुझे इसके बदले बाहर। सुभान अल्लाह। हाँ कार्ड फिर वापस करो, मैं खाना खिलाओ करो। ये जो हमने व्लॉग बनाने का सिलसिला शुरू किया है, इस खुशी में तुम अब खाना खिलाओ मुझे? मैंने कौन सा कमाई शुरू कर दी है? तो कमाई तो अभी मेरी भी शुरू नहीं हुई इससे। बट तुम्हारा तो अब जो प्रीवियस कमाई का कार्ड है बेटा वो मेरे हाथ में है। प्रीवियस कमाई क्या मतलब? मतलब जो पहले जो कमा रहे हो ना उसका। तो क्या कहते हैं, ये तो अभी नई कमाई शुरू हुई। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, तो ही तो कमाई शुरू होगी। अभी तक तो कोई कमाई नहीं है, डेली काम ही कर रहे हैं। अरे अभी अभी तीसरा व्लॉग तीसरे दिन से किस तरह से कमाई शुरू हो सकती है? कमाने की मतलब इस शर्त कुछ। अच्छा बेसिकली हम आज जो मेरे साथ करना चाह रहा था कि ये कार्ड यहाँ से गायब करता और क्या कहते हैं उसके बाद ये मुझसे खाना डिमांड करता। खाना तो मैं मतलब वैसे भी इसे खिलाई देता, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कोई तरीका जो है ये मैं उससे समझ गया जब इसने वीडियो बनानी शुरू की ना, मुझे लगा ये अब ये बेवकूफ़ बनाना इसने मुझे शुरू कर दिया है। इस वक्त हम कुत्तों को खाना दे रहा है, तो मैंने सोचा उसके पीछे थोड़ी बात कर लूँ। दरअसल मैं बात ये करना चाह रहा था कि आजकल जो हालात हैं जिसकी वजह से हर कोई परेशान रहता है, हर वक्त समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, एक अनसर्टेनिटी है हर जगह हर तरफ। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इस अनसर्टेनिटी से बाहर आ सकते हैं। और बात तो जो मुझे मिलता है मेरे जितने कोलीग्स हैं, मैं सबको यही हौसला देने की कोशिश करता हूँ कि जैसे भी हो लाइफ में स्ट्रगल करनी चाहिए। और मैं कुछ दिनों में आपको एक बहुत बड़ा ट्रुथ बताऊँगा कि मैं आजकल परेशान हूँ और किस वजह से परेशान हूँ। कुछ दिन गुजर जाएं, अल्लाह दुआ करिएगा अल्लाह से कि जो जिस वजह से मैं परेशान हूँ वो परेशानी मेरी ख़त्म हो जाए। और एक तो अम्मी की तबीयत की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ, अम्मी को UTI हुआ हुआ है पिछले 2 महीने हो गए और उसका इलाज हो रहा है मगर कोई इफाका नहीं हो रहा उसका। अभी किसे मेरा एक दोस्त है डॉक्टर है, उसने मशवरा दिया था कि इनको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाओ, उसी ने एक सजेस्ट भी किया था, उनको दिखाया, उनकी दवाएं 3 दिन से स्टार्ट हुई हैं। तो उसकी वजह से हाँ ये तो है कि फीवर अम्मी को नहीं हो रहा। उसकी आप में से अगर किसी के घर में अल्लाह ना करे किसी को भी अगर कभी UTI हुआ हो तो उसका क्या इलाज है और उन्होंने कितने दिन लगे उसको ठीक होने में, तो काइंडली इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी नया नया शुरू किया है ना YouTube बनाना, तो वीडियोस बनाना, तो अभी तक इतना आइडिया ज़बान पे वो अल्फाज चढ़े नहीं हैं, थोड़े दिन लगेंगे बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरी और हम्माद की ये कोशिश है कि हम जितने नेचुरल कर सकें अपनी डेली लाइफ दिखा सकें उतना ही बेहतर है, बनावटी ज़िंदगी ना हो। नाम बनावटी हैं और नाम पसंद करते हैं कि हम बनावट को प्रमोट करें या शो करें, तो हम नॉर्मल जैसे हैं हम कोशिश करते हैं कि हम वैसे ही नज़र आएँ और वैसे ही शो करें अपने आप को। मिलते हैं थोड़ी देर में, इस ब्लॉग को वाइंड अप करते हैं। हम्माद कुत्तों को खाना दे रहा है, वो खाना दे दे। और उसके अलावा हमारे घर में आज जो पक रहा है वो दाल पक रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो खाना पकाने की कुछ भी हिम्मत नहीं है किसी किस्म की। तो दाल चावल गर्मी की बेस्ट खाना, दाल चावल और खुशका। आप में से किस किस के घर पकता है और किस किस को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, अरहर की दाल और खुशका पक रहा है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद और इस व्लॉग को कोशिश करते हैं कि वाइंड अप करें। बड़ी देर लगी इस व्लॉग को सेट करने में। बेसिकली हम्माद के मोबाइल पे ये सारा शूट था और वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था मेरे मोबाइल पर ताकि इसको एडिट कर सकते, तो वो घंटों लगे। खाना पीना तो उसमें गारत हुआ, जो घर में दाल चावल पके थे वो ही खाने पड़े। तो अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर और ये अब अपलोड होगा भाई, तो फिर आप बताइए कब तक लोगों को मिलेगा? अभी खैर अपलोड को तो छोड़ो, इसने आइसक्रीम भी नहीं कराई। आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम खाई नहीं जा सकती थी जितने घंटों लगे इसमें पूरे डाटा को ट्रांसफ़र होने में, तो खाने ही खा लिया गया, बहुत बड़ी बात है। मेरे पास एक्चुअली एंड्रॉयड फ़ोन है सैमसंग, इसके पास आईफोन है, तो शफलिंग में डाटा शफलिंग में प्रॉब्लम हो। और हम बात कह रहे हैं कि आईफोन दुनिया का सबसे घटिया फ़ोन होता है,
वो इसलिए कि इसमें डेटा ट्रांसफर करना या इसमें से डेटा निकालना अजाब हो जाता है। जब तक आपके पास iTunes नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो या iCloud की एक्सेस नहीं है, तो आप डेटा नहीं निकाल सकते। लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊँ, हमाद के प्रैंक को मैंने सत्यानाश कर दिया। अगर ये मोबाइल इसके पास इसने ऑन किया हुआ ना होता ना, तो मैं शायद इसको सीरियस ले लेता। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा मेरे ख्याल से कोई 15 सेकंड के लिए कि ये सीरियस कह रहा है, लेकिन मोबाइल देख के मैं समझ गया मामला दाल में कुछ काला है। तो चले खैर, अभी एडिट हो जाता है, अपलोड होता है, तो एडिटिंग में डिपेंड करता है कितनी देर लगती है, उसके बाद फिनिशर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी। अच्छा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहे। और खुदा के वास्ते प्लीज़ यार जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करो, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक, ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।